Everyone and welcome back to Strength Farmaish. I know that I am late this time presenting you the SBIPO mains review, but anyways, let me clarify you that mere subscribers pareshan hain, bahut pareshan hain, because kafi logo ka message aa raha hai aur unka ye puchna hai ki bhaiya jo bade bade websites hain wo ye bata rahe hain ki data analysis interpretation jo hai wo 25 questions banane layak tha. Yaar aisa nahi hai, hai na? कोई बंदा अगर इस रूम के अंदर बैठ के अगर ये प्रेडिक्शन देता है कि 25 क्वेश्चंस बनाने लायक था तो कहीं ना कहीं उसको नहीं पता, बिकॉज वो आप झेले हो दोस्तों, आपको पता है कि आपने कितना संघर्ष करके एग्जामिनेशन दिया है. और एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के एक प्रेडिक्शन देना एक अलग चीज़ होता है, और फिर आप ऐसे रूम में बैठ के लोगों से पूछ के एक प्रेडिक्शन देना अलग चीज़ होता है. तो जो बंदा झेलता है और जूझता है उन सब चीज़ों में और फिर बाहर आकर जो बातें बोलता है, तो शायद वो अपने मन की बात कर रहा है दोस्तों. आज मैं आप अपनी मन की बात ही करूंगा, दिल से बोलूंगा दोस्तों, और SBIPO मेंस एग्जामिनेशन का एग्जैक्ट रिव्यू मैं दूंगा, आपको गिन गिन के बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चंस था करके. तो शुरू करते हैं दोस्तों. सबसे पहला जो सेक्शन था वो रीजनिंग का सेक्शन था, और रीजनिंग का सबसे पहला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट था. वो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अगर लंबा चौड़ा क्वेश्चन है तो उसका 5 क्वेश्चन बन जाएगा. तो मैंने जैसा बना दिया पजल बना दिया, उसके बाद मैं अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठ गया, और सबसे पहला क्वेश्चन जैसे बनाया, दूसरा क्वेश्चन को जैसे मतलब मूव किया, उसके बाद देखा ये क्वेश्चन चेंज. यानी वो इतना बड़ा पजल सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, तो वो कितने मार्क्स का था वो भी नहीं पता, बिकॉज उसने साइड में लिखा नहीं था कि 2 मार्क्स का है या 1 मार्क्स का है. तो ये तो बात रही दोस्तों रीजनिंग का. मशीन इनपुट आउटपुट एक आया था, और सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के साथ एक ट्रेंगुलर सेटिंग अरेंजमेंट था. वो कैसा था? शिफ्टिंग अरेंजमेंट था. अगर सर्कुलर में बैठे हैं तो फिर वो जा रहे हैं ट्रेंगुलर में, ट्रेंगुलर में बैठे हैं तो सर्कुलर में आ रहे हैं, तो ऐसा शिफ्टिंग अरेंजमेंट था. बॉक्स बेस्ड पजल था, और जो बॉक्सेस हैं एक एक सेंटीमीटर ऐसा करके बड़ा हुआ है वो था. मशीन इनपुट आउटपुट अच्छा क्वेश्चन था, और मुझे अच्छा लगा. देखो यार, मुझे अच्छा लगा, इसका मीनिंग यही कि मैंने बनाया, और जो आपने बनाया होगा शायद मैंने नहीं बनाया होगा, मैंने बनाया है आपने नहीं बनाया, तो मिक्स्ड रिएक्शंस हैं. लेकिन जो भी बोलोगे दोस्तों, मैं इतना बोल सकता हूँ कि रीजनिंग ऐसा नहीं था कि कोई मजाक था, वो भी एक चैलेंजिंग साइड था. और मैं समझता हूँ दोस्तों कि रीजनिंग मैं अगर 15-20 क्वेश्चंस आप बना लेते तो आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया अगर आपने 15-20 क्वेश्चंस बनाए हैं तो. सेकंड आ जाता है दोस्तों डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन. और जैसे मैंने आप सभी को बताया कि एक नया पैटर्न देखने को मिला है, पिरामिड क्वेश्चन. और पिरामिड क्वेश्चन में मैं खुद फंस गया, और काफ़ी लोगों को पूछा भी तो उन्होंने भी बताया कि पिरामिड क्वेश्चन थोड़ा सा ऑकवर्ड था. पिरामिड क्वेश्चन एक नया पैटर्न था, वो अगर क्वेश्चन मिलता है तो डेफिनेटली मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा. और दूसरा था बार ग्राफ के अंदर रेक्टेंगल दिया था, बार ग्राफ के अंदर रेक्टेंगल था. रेक्टेंगल का जो सीलिंग है वो कुछ अलग डेटा दिखाता है, रेक्टेंगल का जो बेस है वो कुछ अलग डेटा दिखाता है, रेक्टेंगल का क्रॉस सेक्शन जो है, क्रॉस गिरा है उस रेक्टेंगल में, उसका सीलिंग उसका बेस अलग अलग डेटा दिखाता है. तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था. और जेंडर रेशियो के ऊपर एक डीआई आया था, वो उसको मैंने बनाया. और लास्ट 3 क्वेश्चंस जो थे वो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस थे, मेंसुरेशन कैसलेट डीआई था वो भी अच्छा क्वेश्चंस था. और 2 नंबर सीरीज आया था एबीसी फॉर्म के, वो आप इजीली बना सकते थे. और क्या था मुझे लगता है दोस्तों ये मैंने इंपॉर्टेंट बातें बता दी आप सभी को. कंपैरिजन क्वेश्चंस आए थे, लेकिन दोस्तों 20-25 क्वेश्चंस बनाने वाला पेपर नहीं था. मैथ्स की बात करूँ तो अगर आपने 5 क्वेश्चंस से बनाया है ना, तो आप फ्रस्ट्रेट मत होइए, बिकॉज 5 क्वेश्चंस भी अच्छे अटेम्प्ट हैं, और 5 क्वेश्चंस अच्छे अटेम्प्ट हैं. और गरिमत की बात यह है ना कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, अगर आपने किसी सेक्शन में ख़राब किया है तो आप दूसरे सेक्शन में मेकअप करके बढ़ा सकते हैं इसको, तो ये गरिमत वाली बात है. और तीसरा सेक्शन जो खुला वो GA खुला. जी अगर आपने जनवरी से पढ़ा है, जनवरी से लेकर जिनका SBI क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन होगा उनको तो मैं ये रेकमेंड करूँगा, थोड़ा डेप्थ में पढ़िए, थोड़ा सा बैंकिंग करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए. और जनवरी से लेकर जून तक का पूछा गया था वो अच्छा GA था, तो 25 क्वेश्चन आप बना सकते थे. और बात करें, और आपने देख लिया होगा GA के क्वेश्चन, तो आपने देख लिया होगा काफ़ी वेबसाइट्स तो दे रहे हैं, वैसे ही था. और 4th नंबर सेक्शन पे आते हैं इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज मुझे ऐसा लगा कि हर 3 क्वेश्चन के बाद एक पैसेज बन रहा है, और एक पैसन जो पैसेज था वो कम्प्रीहेंड बेस्ड था, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा तब जाके आप आंसर बना सकते हो. और लास्ट के 5 क्वेश्चन जो थे वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, वो अच्छे क्वेश्चन थे. तो मैं बोलता हूँ, मैं समझता हूँ दोस्तों, जैसे कि 180 मिनट खत्म हुआ उसके बाद अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर स्टार्ट हो गया, और मैंने जो आपको प्रेडिक्शन दिया था ना एक साइबर सिक्योरिटी करके, उस पर एक बेस्ड एक आया था, वो था कि वो क्या था, मतलब ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो हो रहा है
जो साइबर सॉरी जो फ्रॉड हो रहा है, मतलब कस्टमर्स को कैसे, मतलब उनको कैसे जागरूक रहना पड़ेगा ऑनलाइन बैंकिंग पे। कस्टमर अपने जो थ्रेट्स को फेस कर रहा है ना, जो भी थ्रेट्स हैं, वो कैसे वो जागरूक रह सकता है। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन था ऐसे का। तो तीन क्वेश्चन थे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन बनाना था, और एक क्वेश्चन था फिनेंशियल लिटरेसी के ऊपर था, वो भी अच्छा क्वेश्चन था। मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ, ऐसे राइटिंग की बात कर रहा हूँ। और एक क्वेश्चन क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद क्या था, एक ई कॉमर्स का था शायद, है ना, इम्पैक्ट क्या है ई कॉमर्स का ट्रेडिशनल बिजनेस के ऊपर। और लेटर राइटिंग की बात करूँ दोस्तों, तो एक ट्रेडिशनल लेटर आया था कि आप एक ब्रांच मैनेजर के लिखिए कि आपके ब्रांच में काफ़ी भीड़ है, और मतलब एक कैश काउंटर अलग सा एक क्यू मतलब लाइन बनाने के लिए बोलने के लिए ब्रांच मैनेजर को लिखिए। तो वो एक क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है दोस्तों डिस्क्रिप्टिव आपको रोक नहीं सकता, रोकेगा तो शायद वो आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड था जो डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन था। और मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे भी बच्चे ज़्यादा फंसे होंगे, अगर आपने 5-6 क्वेश्चंस बनाए तो शायद आपने मेकअप कर लिया होगा जीए में। ओवरऑल सेक्शन की बात करूँ तो दोस्तों, तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं 75-80 अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो अच्छा खासा अटेम्प्ट बना जा सकता है। और 75-80 अटेम्प्ट्स प्लस डिस्क्रिप्टिव अलग काउंट होगा। तो लाइव क्यों नहीं किया, लाइव इसलिए नहीं किया बिकॉज लाइव करता हूँ तो 30 मिनट हो जाता है, तो मैं आप लोगों का समय बर्बाद तो करना नहीं चाहता। लेकिन हेलो संडे पे लाइव आऊँगा, कल शाम 4 बजे आऊँगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो मेरे साथ। मुझे लगता है कि मैंने अच्छा रिव्यू दिया है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली हिट करिए लाइक, ओके। वो जो ग्रे कलर का बटन है उसको ब्लू बना दीजिए, और शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ओके, टेक केयर, बाय बाय।